Welcome to Chemistry Classes in Sudhiti Global Academy. My name is Bindeshwari Pratap Singh. Today I will discuss about Organic Chemistry first chapter name Haloalkane and Haloarane. First chapter name Haloalkane and Haloarane. In this chapter we discussed about five point. First introduction. Introduction means what is meant by Haloalkane and Arane. Haloalkane and arane is discussed on the basis of on the basis of removal of hydrogen atom from haloalkane and adding halogen atom in the hydrocarbon. Now we discussed about introduction. What is meant by haloalkane and arane? Haloalkane and arane. Haloarane. It means that the removal of the replacement of hydrogen atom. The replacement of hydrogen atom by halogen atom, in hydrocarbon. Hydrocarbon is two types. किसमें से हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन से. हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं. पहला होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. डिफिनेशन क्या हुई कि हेलोएल्केन और हेलोएरेन की डिफिनेशन ये हुई, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाई हेलोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन. ओके, अब देखते हैं इसको, क्लासिफिकेशन को. अब if we consider aliphatic hydrocarbon, then aliphatic hydrocarbon दूसरा क्या मैंने बताया था, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का क्या फार्मूला था? CnH2n+2. इफ वी रिमूव वन हाइड्रोजन फ्रॉम CnH2n+2 फार्मूला, CnH2n+1 hydrogen is removed and halogen atom is added, then it is known as haloalkane. Okay, in the aromatic compound we take benzene ring and removing 1H by halogen atom, then formed this compound is known as aromatic halogen or haloarane. It is also known as haloarane. Both type of haloalkane is classified on the basis of number of halogen atom and hybridization. तो ये पार्ट तो हम लोग कंसिडर किसमें करेंगे? हम लोग ये पार्ट को कंसिडर करेंगे क्लासिफिकेशन में. पहले हमने बता दिया एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कौन हो. एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से जो हाइलोजन बनाया जाएगा उसको हेलोएल्केन बोलेंगे, और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उससे बनाया जाएगा उसको हम लोग हेलोएरेन बोलेंगे. ये एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं इसका डिसीजन कैसे हम लोग करेंगे? एरोमेटिक कैसे कंसिडर करते हैं हम लोग? एरोमेटिक के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कौन सी? हकर रूल. हम लोग देखते हैं बेंजीन रिंग
एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं, क्योंकि हेलो एल्केन के लिए तो हम लोग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का यूज करते हैं और इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का यूज करते हैं। तो हम लोग पहले एरोमेटिक देखते हैं ये बेंजीन रिंग एरोमेटिक है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग तीन कंडीशन पढ़ते हैं, कौन कौन कंडीशन, हकर रूल का, हकर रूल की कंडीशंस होती हैं। हकर रूल क्या बताता है कि कोई साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं बेंजीन रिंग एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं। पहला कंडीशन क्या होता है, पहले हम लोग बेंजीन को देखते हैं, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है विथ स्ट्रक्चर विथ अल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये बात सही है, देखते हैं साइक्लिक है स्ट्रक्चर, अब देखो पाई है, सिग्मा है, सिग्मा है, पाई है, सब अल्टरनेट बॉन्ड है। दूसरा, सभी कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, ये भी सही है, सभी पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब ये क्या होना चाहिए, प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। तीसरा क्या है, फोरियन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये क्या है, हकर रूल, हकर रूल हम लोगों को बताएगा कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं। तो इसमें हम लोग फोरियन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन देखते हैं कि नहीं, कितने पाई बॉन्ड है बेंजीन पे, 3 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल कितने हुए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग किसके इक्वल कर दें, फोरियन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन के इक्वल कर दें, फोरियन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन के इक्वल कर दें, तो देखेंगे क्या होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ एन की वैल्यू एक इंटीजर आ जाएगी कि नहीं, एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। ये क्या डिसाइड करेगा, एन एक इंटीजर नंबर है, मतलब कि ये जो रिंग वाला कंपाउंड है वो एरोमेटिक इन नेचर है। इसमें अगर हम एक हैलोजन एटम को ऐड कर दें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हेलो एरिन, एक हैलोजन एटम एरोमेटिक कंपाउंड में ऐड कर दिए तो वो चीज़ क्या हो गया, हेलो एरिन, एक को ऐड कर दिए। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का क्लासिफिकेशन कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, कि देखो डिसाइड करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन को, देखते हैं कैसे डिसाइड करते हैं। इट इज डिसाइडेड बाई नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट इन, इट इज डिसाइडेड बाई नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन। तो डिसाइड करते हैं पहला क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन दो टाइप का क्लासिफिकेशन है, पहला क्या है, पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। दूसरा क्या है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर में दो टाइप ऑफ डिवाइड होता है, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का और दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड का, sp2 कार्बन हाइब्रिडाइज्ड का, दोनों टाइप हो गया। अब इस पे देखते हैं, पहला मैंने क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, हैलोजन एटम कौन है, वही एक्स वाले जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इसमें से कोई भी हो सकता है। ओके, अब देखते हैं पहला टाइप का, अगर हम लोगों का नंबर बढ़ता जाता है उसके अनुसार कैसे हम लोग इसका नेम लिखते हैं। पहला देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, पहले हम लोग देखते हैं ये हेलो एल्केन के लिए, किसके लिए देखते हैं, हेलो एल्केन के लिए देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करें, CH3X एक एग्जांपल ले लिया, इसमें होता है कितने हाइलोजन एटम है, एक हाइलोजन एटम है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन। ओके, अब मान लो हमने ऐसा एक हाइड्रोकार्बन लिया जिसमें एक्स दो हाइलोजन एटम प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाई हेलो
डाई हेलो एल्केन। अगर हमने तीन लिया तो दो के बाद ग्रेटर देन दो हो नंबर अगर हाइलोजन का तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉली पॉली हेलोजन हेलोजन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए हम थ्री ले लिए सी एच थ्री सी एच टू एक्स सी एच एक्स सी एच टू एक्स, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तीन है इसमें या तीन से ज़्यादा, इसको क्या बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। ओके इसको हम लोग क्या बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। तो नाम से हम लोग पता कर लिए, अगर एक हेलोजन एटम है तो मोनो हेलो एल्केन, दो है तो डाई हेलो एल्केन, तीन है तो ट्राई हेलो एल्केन। ये किसमें हुआ, ये तो केवल हम लोग एल्के ये हम लोग केवल हेलो एल्केन के लिए समझ रहे हैं। अब हेलो एरेन के लिए देखते हैं, अगर बेंजीन रिंग पे एक या एक से अधिक हेलोजन एटम है उसके अनुसार कैसे हम लोग इस क्लासिफिकेशन में नाम लिखेंगे। मान लो एक बेंजीन रिंग हमने ले लिया, ये एरेन के बारे में लिखते हैं हेलो एरेन के बारे में लिखते हैं हेलो एरेन के बारे में लिखते हैं। इसमें देखते हैं बेंजीन रिंग हमने लिया, बेंजीन रिंग में अगर एक हेलोजन लिया है तो इसका हम लोग नाम क्या लिखेंगे, अब इसका नाम लिखेंगे मोनो हेलो, हमने यहाँ क्या लिया एरीन, तो इसका नाम क्या लिख देंगे हेलो एरीन। अगर दो लिया तो हमने क्या लिखा एक्स एक्स, इसका नाम क्या लिखेंगे डाई हेलो एरीन। ऐसे तीसरे को हम लोग पाली हेलो एरीन बोलेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे उसको ट्राई हेलो एरीन। ये क्लासिफिकेशन हुआ कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द हाइड्रोकार्बन। पहला क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द हाइड्रोकार्बन। देखते हैं कैसा हाइब्रिडाइजेशन है उस पर, उससे हम लोग बताते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या था पहला, दूसरा क्या था ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में क्या बताया था, इसमें दो टाइप का होता है। पहला हम लोग लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इसके अंदर में देखते हैं पहला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में, इसमें पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसका पहला एग्जांपल है एलिफैटिक या एल्किल हैलाइड। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, एल्किल हैलाइड का फार्मूला क्या था, CnH2n+1, इसमें एक X को हम लोग ऐड कर देंगे, क्या था एल्किल हैलाइड। इसमें भी थ्री टाइप का होता है, हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप कितने हैं। पहले वाले में क्या था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, दूसरे वाले में क्या है इसमें डिसाइड करेंगे एलिफेटिक या एल्किल हैलाइड में कि कितने हमारे पास एल्किल ग्रुप हैं। ठीक, अगर एक एल्किल ग्रुप है और उसके अल्फा कार्बन से कोई हैलोजन एटम ऐड है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि प्राइमरी है एल्किल हैलाइड। जैसे कि R एक ये एल्किल ग्रुप है, इसमें हम लोग लिख दिए CH एक X को हमने ऐड कर दिया, इसमें कितने एल्किल ग्रुप है एक, तो इसका नाम क्या होगा प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ओके दूसरा ले लेते हैं हम लोग R1 R2 X। अब बताओ अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है इसमें, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन इज ए हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली अटैच बाय मेन फंक्शनल ग्रुप। इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है एक्स, इससे जुड़ा हुआ कौन सा, ये कार्बन क्या होता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है, अल्फा कार्बन इज ए कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू द मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ता है उसको हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन से देखें कितने एल्किल ग्रुप जुड़ा है एक, तो इसको क्या बोलेंगे प्राइमरी एल्किल हैलाइड। अब इसमें देखें अल्फा कार्बन से कितने जुड़े हैं, एक एल्किल ग्रुप दूसरा एल्किल ग्रुप, तो इसको क्या बोलेंगे सेकेंडरी एल्किल हैलाइड।
तीसरा तीसरा हम देखते हैं इसमें अगर थ्री एल्किल ग्रुप जुड़े हैं इसमें किससे जुड़े हैं अल्फा कार्बन से, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे टर्शरी एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ओके, तो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप प्रेजेंट इन द एल्किल हैलाइड हम लोग डिसाइड करेंगे इसका नाम क्या होगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। अगर दो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है अल्फा कार्बन से तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, और तीन जुड़ा है तो टर्शरी एल्किल हैलाइड। ये हो गया क्लासिफिकेशन हमारा। अब दूसरा क्लासिफिकेशन आता है एलाइलिक हैलाइड। दूसरा क्या आता है, एलाइलिक हैलाइड। दूसरा पहला हो गया एलिफैटिक या एल्किल हैलाइड, दूसरा देखते हैं एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड बी क्या है, एलाइलिक, एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। ये हैलाइड कौन सा होता है, इन दिस हैलाइड, इन दिस एल्किल हैलाइड, इन दिस एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, हैलाइड हैलोजन एटम, हैलोजन एटम, हैलोजन एटम अटैच्ड विथ, अटैच्ड विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्या मैंने बोला, ये वो एल्किल हैलाइड होते हैं जिसमें हैलोजन ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है और उसके बगल वाला कार्बन हमेशा डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच होता है। ठीक, हम लोग देखते हैं ऐसा एक एग्जांपल लिया, इसको हमने लिया है। हाँ देखा, पहली बात देखते हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं, ये देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं। ये क्या है, हैलोजन एटम है, इसके बगल वाला कार्बन क्या हुआ अल्फा कार्बन, इसके बगल में क्या है डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, ये अल्फा हैलाइड sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं। देखते हैं एक सिंगल बॉन्ड दो और दो हाइड्रोजन से है, कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका क्या हुआ हाइब्रिडाइजेशन sp3, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं एलाइलिक हैलाइड। एक हमने ओपन स्ट्रक्चर ले लिया, एक क्लोज स्ट्रक्चर ले लें, क्लोज स्ट्रक्चर ले लेते हैं एक, इसमें हम लोग देखते हैं एक ऐड कर दिया, इसमें देखते हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं। यहाँ एक हाइड्रोजन लगा ही होता है, प्रेजेंट होता हुआ, इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आया इस वाले पे, इस पर भी sp3 आ रहा है और उसके बगल वाले में क्या है डबल बॉन्ड लगा है, यानी कि ये भी एलाइलिक हैलाइड का एक एग्जाम्पल हुआ। ठीक, अब देखते हैं इसके बाद एक और है sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले का क्लासिफिकेशन, एक और है जिसका नाम है बेंजाइलिक हैलाइड। इसका नाम क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड। इन दिस हैलाइड हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू, इन दिस हैलाइड हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू दी बेंजीन रिंग। मैंने क्या बोला, इस हैलाइड, इस एल्किल हैलाइड में हाइलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है, उसके बगल में वाला जो होता है कार्बन वो हमेशा बेंजीन रिंग को फॉर्म करता है। तो ऐसे देखते हैं इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, इन दिस हैलाइड हैलोजन एटम directly attached to sp3 hybridized carbon next to benzene ring बनाते हैं, इसी से देखते हैं कोई कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ये कंपाउंड लेते हैं हम लोग CH2X,
इसमें कितने, और इससे क्या करते हैं हम लोग, एक बेंजीन रिंग को जोड़ देते हैं। देखते हैं हमने क्या बोला कि जो हैलाइड ग्रुप है वो उस कार्बन से अटैच होता है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। इसमें देखते हैं एक सिग्मा बांड दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, एक इससे, टोटल कितने सिग्मा बांड हुए, 4 सिग्मा बांड। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। और इसके बगल में क्या होना चाहिए, एक बेंजीन रिंग होना चाहिए, यानी कि ये किसका एग्जाम्पल है, एक बेंजाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है। ठीक, अब इसके बाद अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं, अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के लिए। दूसरा कौन सा देखते हैं, पहला होगा दूसरा हाइब्रिड क्या था, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इसका कोई हैलाइड देखते हैं। इसमें पहला हैलाइड आता है विनाइलिक हैलाइड, इसका पहला हैलाइड होता है विनाइलिक हैलाइड, ये वो हैलाइड होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, इन दिस हैलाइड हैलाइड हैलोजन एटम directly attached to sp2 hybridized carbon, sp2 hybridized carbon। देखते हैं इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम देखते हैं ये हाइलोजन एटम किससे डायरेक्टली अटैच है, इस वाले कार्बन से अटैच है। इसमें हम देखते हैं कितने पाई बांड है, एक एच तो अपने मन से जुड़ा होता है, एक एच होता है जो एक्स्ट्रा वो जुड़ा होता है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी चार होती है। अब देखते हैं एक सिग्मा बांड इसमें है, डबल में एक सिग्मा होता है, एक सिग्मा बांड इधर है, एक सिग्मा बांड इधर है, एक सिग्मा बांड इधर है, तो कितने हुए टोटल, थ्री सिग्मा बांड हुए। तो टोटल कितने हुए, थ्री सिग्मा बांड। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ यहाँ sp2। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, ये ओपन स्ट्रक्चर था, एक क्लोज स्ट्रक्चर का भी एग्जांपल देख लेते हैं, मान लेते हैं ये बना दिया, इसमें क्या क्या हैलोजन ऐड कर दिया, इसमें भी यहाँ क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम होगा। ये क्या हुआ क्लोज स्ट्रक्चर के लिए, ये क्या हुआ ओपन स्ट्रक्चर के लिए, विनाइलिक हैलाइड आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसके बाद इसमें एक और एग्जाम्पल आता है, एक एग्जाम्पल इसमें और आता है, उसको बोलते हैं हम लोग एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड में क्या हुआ, एरिल हैलाइड में भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, जो लिखेंगे एरिल। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, एरिल हैलाइड, नाम से ही कंप्लीट लग रहा है। देखो एरिल मतलब कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कोई हैलाइड जुड़ा हुआ हो, तो क्या लिखेंगे, इन दिस हैलाइड हैलोजन एटम डायरेक्टली attached to sp2 hybridized carbon or directly attached to benzene ring। ये भी कह सकते हैं बेंजीन रिंग, एक एग्जांपल बनाते हैं हम लोग, बेंजीन रिंग बनाते हैं उससे डायरेक्ट एक हैलोजन को ऐड कर देते हैं, वी एडेड वन हैलोजन विद डायरेक्टली बेंजीन रिंग, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब हम लोगों का क्लासिफिकेशन हो गया, कौन कौन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन, और दूसरा कौन था, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन कार्बन इन द हाइड्रोकार्बन, दोनों हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा क्या हेडिंग था, आईयूपीएससी भी सेम बनाया जाता है उसी तरीके से, हम लोगों को आईपीएससी में चार ही फिनोमेना को देखना है, कौन कौन देखना हमको, रूट वर्ड, प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, इसमें भी देखना है या तो उससे बनाए या तो हम लोग डायरेक्टली बनाए। देखते हैं आईपीएससी को, इस चैप्टर में आईपीएससी को कैसे कंसिडर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है IPSC एल्किल हैलाइड का। देखते हैं IPSC में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं IUPAC IPSC में।
अगर मान लो हम लोग सिंपल लिखते हैं फार्मूला CH3 CH2 CH2 X, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोल सकते हैं वन क्लोरो, क्योंकि पहले से ही जुड़ा है पहले कार्बन से, वन क्लोरो क्लोरो प्रोपेन प्रोपेन बोल सकते हैं। अगर हम इसी हाइड्रोजन एटम को यहाँ अलग कर दें, दूसरे पे लगा दें, तब क्या बोलेंगे, जैसे लिख दें CH3 X की जगह अगर हम यहाँ क्लोरीन लिख दें तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, वन क्लोरो प्रोपेन, X की जगह क्लोरीन लिख दें तो वन क्लोरो, ब्रोमीन लिख दें तो वन ब्रोमो, तो X के अनुसार हम लोग कह सकते हैं, अगर यहाँ X लिखे हैं तो X क्लोरो की जगह हम लोग हेलो लिख सकते हैं, हेलो प्रोपेन। यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ X लगा दिया तो यहाँ क्या लिखे, टू हेलो प्रोपेन CH3 प्रोपेन, ठीक। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स आता है इसका तो उसमें दिक्कत होती है थोड़ी सी, लेकिन उसको बनाने का सेम तरीका वही है जो सिंपल IPSC का तरीका है, ठीक है। एक एग्जांपल देते हैं, NCERT का एग्जांपल है, इसको एक NCERT के एग्जांपल को देखते हैं हम लोग, एक NCERT के एग्जांपल को देखते हैं, लिखते हैं एक NCERT के एग्जांपल देखते हैं, CH3 H, यहाँ हम लोग लिख देते हैं ब्रोमीन, कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, ब्रोमीन क्लोरीन कुछ भी, एक एग्जांपल हमने देख लिया। यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ क्या लगा BR। ये बताओ कि हम लोग पहले IPSC में क्या कंसिडर करते हैं कि मेन फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगता है, क्योंकि काउंटिंग वहीं से शुरू होगी, लेकिन हम लोग प्रायोरिटी पहले डबल बॉन्ड को देते हैं, BR को नहीं। BR है मेन फंक्शनल ग्रुप, लेकिन BR को हम लोग नहीं देंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे, ये हम लोग डबल बॉन्ड को देंगे। तो डबल बॉन्ड से जो नज़दीक कार्बन होता है जहाँ, वहाँ हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें यहाँ देखो, इस कार्बन से ये कार्बन तक आने में कितने, दो कार्बन लगे हैं, इसको आने में कितने लगे हैं, एक, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग 1 2 3 4 5, कितने कार्बन हो गए टोटल, 5, यानी कि हमारे मेन सीरीज में कितने हो गए, मेन चैन में 5 कार्बन हो गए। तो हमारा रूट वर्ड क्या हो गया, देख लो, रूट वर्ड हो गया हमारा पेंट, पेंट रूट वर्ड हमारा क्या हो गया, पेंट। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, रूट वर्ड के बाद देखते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स प्रीफिक्स को देखते हैं। इस रूट वर्ड में सब जगह हाइड्रोजन लगा, बस फोर्थ पे क्या लगा है, ब्रोमीन, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 4-bromo, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, इसके बाद हम लोग प्राइमरी सफिक्स देखते हैं। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, प्राइमरी सफिक्स बताता है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन या सेचुरेशन। इसमें डबल बॉन्ड है तो ये क्या हुआ, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ कि नहीं, ये क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड लगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन, लेकिन काउंटिंग कहाँ से करेंगे, टू इन, इसका प्राइमरी सफिक्स क्या हुआ, टू इन। सेकेंडरी सफिक्स क्या कहता है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम लोग देखते हैं, लेकिन मेन फंक्शनल ग्रुप तो एज हम लोग प्रीफिक्स लिख दिए, क्योंकि हम लोग काउंटिंग में सबसे पहले हम लोग डबल बॉन्ड को ले लिए, क्योंकि इसको हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप तब नहीं मान सकते, क्योंकि प्रायोरिटी आर्डर में पाई बॉन्ड इनसे ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ सेकेंडरी सफिक्स कोई चीज़ है ही नहीं, तो अब हम लोग लिख देते हैं, कैसे लिखते हैं, पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 4-bromo, क्या लिखेंगे हम लोग, 4-bromo, ये क्या, पेंट, पेंट टू इन। ऐसे एग्जांपल बहुत हैं जो कि हम लोग बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा मोड़ा इसका हार्ड होता है, इसीलिए पूरा प्रीफिक्स सफिक्स सब कुछ बना के तब हमने बनाया, 4-bromo पेंट टू इन, ओके। और इसके बाद हम लोग देखते हैं अब कि नेचर क्या होता है CX बांड का, क्योंकि एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं कि अगर नेचर को नहीं जानेंगे तो हम लोग रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, और रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो नेचर ऑफ CX बांड को इसके बाद देखते हैं। IPSC हो गया, छोटी सी IPSC बन गया, अब अगला हेडिंग डालते हैं हम लोग, नेचर ऑफ, अगला हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग, नेचर ऑफ CX बांड, इसको समझना जरूरी है, क्या अगला हेडिंग, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अब ये इसमें देखना है, इसमें इनऑर्गेनिक भी थोड़ी सी आएगी और ऑर्गेनिक तो है ही, पहले देखना हम लोगों को C और X, ये क्या कार्बन, ये क्या हैलोजन, हैलोजन का कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, कौन कौन ले सकते हैं हम लोग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
एक एटम और होता है एस्टाटीन, लेकिन इसको लेते नहीं है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इट इज नॉट रिएक्टिव एज कम्पेयर टू फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन, इट इज ए रेडियो एक्टिव इन नेचर। ओके, तो इसको हम लोग नहीं लेते हैं रिएक्शन में, बस फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन को हम लोग इसी को लेते हैं। अभी तो पीरियडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कौन सा होता है, 17th ग्रुप, जिसको हम लोग हाइलोजन ग्रुप या फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन इसमें आता है, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। यानी कि कार्बन के कंपेयर में हाइलोजन ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो हम लोग इस पर अगर चार्ज डोनेट करना चाहें तो चार्ज दे सकते हैं। इसको हम लोग पार्शियल पॉजिटिव मान सकते हैं, इसको पार्शियली हम लोग नेगेटिव मान सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंटेन करता है और कंपेयर इससे कार्बन इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसको हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। अगर एक बांड से कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऐड होते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं ये मॉलिक्यूल हमेशा पोलराइज्ड होंगे, मतलब कि इसमें पोल है, नेगेटिव और पॉजिटिव है। लेकिन हम लोग इसका दो सीध डिसीजन करेंगे, अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइलिक इज इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज विच इज कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है जो हमेशा नेगेटिव चार्ज को कंट्रोल करती है, क्योंकि वो न्यूक्लियस को लव करती है, न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग होती है। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो जो अट्रैक्ट करेगा वो क्या होगा, नेगेटिव। तो मान लो हमने न्यूक्लियोफाइल ले लिया, एक न्यूक्लियोफाइल ले लिया, जब हम लोग रिएक्शन करेंगे, अभी तो रिएक्शन आया नहीं था, तो रिएक्शन में हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफाइल इस पे अट्रैक्ट नहीं होगा, इस पे होगा, क्योंकि एज कम्पेयर टू ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है इसके कंपेयर में, तो हमेशा अट्रैक्ट जो न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन या अटैक होता है वो कार्बन पे होता है, हाइलोजन पे नहीं होता। इसका और भी एक कारण है जो हम लोग इनऑर्गेनिक मेथड से देखते हैं इसका क्या कारण है। अब ये हम कह रहे हैं कि इन दोनों में अगर हम मान लो एक्स की जगह फ्लोरीन लगा दें, क्लोरीन लगा दें, ब्रोमीन लगा दें, आयोडीन लगा दें, तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि रिएक्टिविटी इस पर भी निर्भर करती है कि बॉन्ड लेंथ कितना है, क्योंकि अटैकिंग के लिए हम लोग हिंड्रेंस को कंसिडर करते हैं। ठीक, तो हम लोग मान लो पहला ले लिया सी क्लोरीन के साथ एफ, सॉरी कार्बन के साथ एफ ले लिया, दूसरा सी के साथ सी एल ले लिया, तीसरा सी के साथ बी आर ले लिया, चौथा फोर्थ हमने ले लिया सी के साथ फोर्थ ले लिया हम लोग फोर्थ ले लिया हम लोग सी के साथ आयोडीन। तो हम लोग इसमें कहें कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा आयोडीन से होगी, सी आई की। क्यों, क्योंकि अप टू डाउन जाने पे पीरियडिक टेबल में आयोडीन की साइज एज कम्पेयर टू फ्लोरीन बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लोग ये कहें, मान लो कार्बन का तो सभी में साइज सेम है, कार्बन का सभी में साइज सेम है, लेकिन फ्लोरीन का छोटा है, इससे ये बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, इसका जो अट्रैक्शन होगा हम ये एलिमेंट का देखें, तो हम लोग ये कहेंगे कि जो बॉन्ड लेंथ है सी एफ और क्लोरीन की, तो क्लोरीन का ज़्यादा, सी सी एल का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सी एफ का, क्योंकि नीचे आते समय एटॉमिक साइज फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बढ़ती जाती है। पहला चीज़ ये हो गया, बॉन्ड लेंथ किसका सबसे ज़्यादा होगा, सी एफ का। तो हम लोग एक ऑर्डर लिख देते हैं, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ हम लोग इसको देख लेते हैं, बॉन्ड लेंथ को तो क्या लिखेंगे, सी एफ इज लेस देन सी सी एल इज लेस देन सी बी आर इज लेस देन सी आई। ठीक, लेकिन इसी की चीज़ को हम एक फार्मूला बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, एक नंबर में ये चीज़ पूछा जा सकता है हमेशा। अगर हम लोग यही चीज़ कहें, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, अगर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, अगर हम लोग देखें जिसका साइज छोटा है और इसका साइज बहुत बड़ा है, तो दो एटम बड़े हैं तो इनको टूटने में बहुत ईजिली हम लोग एनर्जी कम भी अगर देंगे तो ये चीज़ टूट जाएगा, लेकिन ये नहीं टूटेगा। तो यानी कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, तो हम लोग अगर जो कह दें ऑर्डर ऑफ, यहाँ निकाल दें ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो हम लोग देखेंगे कि इसका उल्टा ऑर्डर आ जाएगा, क्या आएगा बॉन्ड लेंथ का, उल्टा ऑर्डर आ जाएगा, सी एफ इज ग्रेटर देन सी सी एल इज ग्रेटर देन सी बी आर इज ग्रेटर देन सी आई।
ठीक है, ये इतना चीज हम लोग कंसिडर कर दिए, तो इससे हमारा एक रिलेशन बन रहा है जो कि हम लोगों को इम्पोर्टेंट रूप से इसमें लिख लेना चाहिए नेचर ऑफ सी एक्स बांड में, कि जो बांड लेंथ होती है, जो बांड लेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बांड डिसोसिएशन एनर्जी के। बांड लेंथ क्या होती है? बांड डिसोसिएशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, या तो इसको उल्टा भी कह सकते हैं हम लोग, बांड डिसोसिएशन एंथैल्पी बांड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम लोग नेचर ऑफ सी एक्स बांड को यहीं तक देखते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रिपरेशन पे, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में, एल्किल हैलाइड को कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला मेथड होता है एल्किल हैलाइड इज प्रिपेयर्ड बाय, पहला मेथड होता है एल्किल हैलाइड इज प्रिपेयर्ड बाय एल्कोहल। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं जो डायरेक्टली हम लोग ऐड करने के बाद एल्कोहल में सीधे एल्किल हैलाइड को फॉर्म कर देते हैं। तो देखते हैं कुछ मेथड ऐसे हैं। तो हम लोग पहला अब इसके बाद हेडिंग डालते हैं प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल, कैसे प्रिपेयर करते हैं हम लोग देखते हैं, पांच छह मेथड हैं देखते हैं। पहला हाइडिंग का प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड बाय एल्कोहल। इसमें हम लोग देखते हैं पहला मेथड होता है अगर एल्कोहल को हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड के साथ HCX के साथ हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो क्या होता है RAX बन जाता है और H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक, इसमें हम लोग एल्कोहल को बेस की तरह मान लेते हैं, इससे रिएक्शन हुआ, ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट किया, वाटर निकल गया और जो चीज़ फॉर्म हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड। ये हमारा सबसे पहला मेथड हो गया और इजी मेथड हो गया एल्किल हैलाइड। दूसरा मेथड लेते हैं कि हम लोग ROH को ले लिए, इसके साथ NaBr की रिएक्शन करा दिए, सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम हैलाइड ले लेते हैं, इसमें हम लोग सोडियम हैलाइड की रिएक्शन करा दिए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, कौन सा, H2SO4, वो भी कंसनट्रेटेड। अगर जो हम लोग दो चार मोद इस रिएक्शन में डाल दें H2SO4 को, तो हम लोग क्या फॉर्म करेंगे कि ये भी उसी तरह बिहेव करेगा, कि देखते हैं कैसे बिहेव करता है। ROH को हम लिखते हैं RX बन गया और प्लस NaHSO4 प्लस H2O यहाँ फॉर्म हो जाएगा। अब इसके बाद तीसरा मेथड देखते हैं, ये भी इजी है, इसके बाद तीसरा मेथड देखते हैं हम लोग। तीसरा मेथड है कि हम लोग ROH को TCl3 फास्फोरस ट्राईक्लोराइड के साथ हीट कर दें हम लोग, तो हम लोग क्या पाएंगे देखते हैं, हम लोग पाएंगे 3RH प्लस H3PO3, यहाँ एक्स की जगह कुछ भी रख सकते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, बस चार, एस्टाटीन को कभी नहीं हम लोग प्रीफर करेंगे क्योंकि वो एक्टिव नहीं होता, वो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, इसके बाद चौथा मेथड देखते हैं, ये मेथड हो गया एक और फास्फोरस ट्राईक्लोराइड हो गया, एक फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, 5 में भी और 3 में भी, क्योंकि ये देखते हैं, अब इसको देखते हैं तीसरे को, तीसरा हो गया, चौथे को देखते हैं, फोर्थ को देखते हैं कि ROH एल्कोहल लिया, इसको हम लोग रिएक्शन किससे किए, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो यहाँ क्या हो गया देखते हैं, RCl प्लस POCl3 प्लस H2O, RCl POCl3 प्लस H2O। ठीक है, अब इसका बैलेंसिंग हो जाएगा। एक मेथड और आ गया जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है, जो हर जगह हर चैप्टर में आपको यूज करना है कन्वर्जन के लिए, अगर एल्किल हैलाइड बनाना है एल्कोहल से, तो वही सबसे प्रिफरेबल मेथड होगा, जो कि मेथड को कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड बाय रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन गैस, कोई भी हैलोजन गैस ले सकते हैं, फ्लोरीन वैसे नहीं एक्ट करते हैं क्योंकि ज़्यादा रिएक्ट होता, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला मेथड जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है और हर जगह यूज होगा, तो इस मेथड को हम लोग पढ़ते हैं। ROH कोई भी एल्कोहल को अगर हम लोग
कोई भी एल्कोहल को अगर हम लोग रेड फास्फोरस के साथ ट्रीट करें, रेड फास्फोरस के पास ट्रीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी हाइलोजन गैस, ले लें ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी ले लें, तो इससे हम लोग क्या बनाएंगे, आर आर एक्स। एक एल्किल हैलाइड फॉर्म करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, सब में रिपीट है सभी चैप्टर में, एल्कोहल से सीधे हम लोग आर एक्स को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, एक मेथड और है, ये कौन सा मेथड, वो फिफ्थ सिक्स मेथड देखते हैं। आर ओ एच को हम लोग फॉर्म करते हैं किससे, एस ओ सी एल टू से, इससे रिएक्शन कराते हैं एस ओ सी एल टू से, तो इसमें भी आर सी एल ही बनता है। ठीक, ये भी एक मेथड हुआ किससे का, कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का। ये सारे मेथड हो गए जो सिंपल मेथड है एल्कोहल से एल्कोन एल्किल हैलाइड को कन्वर्ट करने का। ठीक है, अब इसमें चाहे तो एक दो एग्जांपल भी ले सकते हैं, बस कन्वर्जन ही देखना है। खैर ले लेते हैं एक दो एग्जांपल, देखते हैं बस ये सभी रिएक्शन याद रहे कैसे कन्वर्ट करना है, कभी भी कन्वर्जन आया तो। एक रिएक्शन ले लेते हैं, रिएक्शन बड़ी होती है लेकिन कन्वर्जन बहुत छोटा होता है, देखते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया CH2OH, इतना बड़ा सा कंपाउंड दिख रहा है, बहुत बिगर कंपाउंड दिख रहा है, इसकी रिएक्शन। अब हमें मान लीजिए SOCl2 से रिएक्शन करा दिया, तो हम लोग को याद होना चाहिए SOCl2 कहाँ रिएजेंट लिया था, जो OH को कन्वर्ट किस में करता है, क्लोरीन में। बस OH को क्या रिप्लेस करेगा किससे, क्लोरीन से। एक रिएक्शन लिख लेते हैं, एक रिएक्शन लिख लेते हैं, इसको क्या बना दिया, CH2Cl, बस इतना छोटा कन्वर्जन है। इसकी जगह हम लोग रेड फास्फोरस भी ले सकते थे, रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ X2, जितना भी हम आप लोगों को सिखाए हैं 5-6 मेथड कोई भी ले सकते हैं इसके कन्वर्जन के लिए। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कन्वर्जन का मेथड, एक और रिएक्शन होती है जो दो रिएक्शन को मिक्स करके बनाते हैं। पहला रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन का नाम है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन में सैंड मीयर रिएक्शन, सैंड मीयर रिएक्शन में हम लोग देखते हैं, इसमें दो स्टेप को यूज करेंगे हम लोग। सैंड मीयर रिएक्शन में एल्किल हैलाइड एनिलीन से बनाते हैं, मतलब वो कंपाउंड जिसमें हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है एनिलीन, जिसको में हम लोग एमीन ग्रुप को ऐड किए होते हैं, एमीन ग्रुप से कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग एल्किल हैलाइड में, इस मेथड से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और मेथड यूज होगा जिसको हम लोग डाइएजेशन बोलते हैं। ठीक, तो पहला मेथड हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट फ्रॉम एमीन। पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे इसमें, स्टेप फर्स्ट में हम लोग पहले हम लोग एनिलीन लेंगे, इसकी रिएक्शन एनिलीन की रिएक्शन या बेंजामिन या एनिलीन की रिएक्शन हम लोग कराएंगे NaNO2 सोडियम, इसको हम लोग कराएंगे NaNO2 इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl से रिएक्शन, और टेम्परेचर क्या लेंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, या इसी को कहीं कहीं लिखा रहता है 273 से 278 केल्विन, 273 ऐड कर दो, हो गया। इससे हम लोग क्या डायरेक्ट फॉर्म करते हैं, कौन सा कन्वर्जन बनता है, डाइजोनियम साल्ट N2+Cl-, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें प्लस और माइनस दोनों आयन प्रेजेंट हैं। तो अब दूसरा कंपाउंड, इसका कन्वर्जन कैसे करते हैं, एल्किल हैलाइड में कन्वर्जन करते हैं। अब N2Cl को हम लोग क्या करें, सैंडमायर रिएजेंट से ट्रीट करते हैं। सैंडमायर रिएजेंट क्या होता है, Cu2X2, इससे जब रिएक्शन कराते हैं। एक चीज़ यहाँ देखना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ एक चीज़ हम लोगों को हमेशा देखना रहता है, अगर हम लोग Cu X2 लिए, मान लो हम यहाँ Cl है, हमने यहाँ Br ले लिया, Cu2Br2 ले लिया, Cu2Br2, तो ये जो हैलाइड है ये इसके पास चला आएगा और इसका हैलाइड जो है वो इधर आ जाएगा। देखते हैं रिएक्शन क्या होती है, हम लोग कराएंगे ये Br है जो इससे डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, बनाएगा ब्रोमोबेंजीन, जो सैंडमियर रिएजेंट का हैलाइड होता है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से ऐड हो जाता है और N2 गैस बाहर निकल जाती है, और इसमें इससे 200 मल्टीप्लाई कर दें तो अब यहाँ क्या बच गया, Cu2Cl2, ये बच गया।
ये वाला क्लोरीन, ये वाला हैलाइड इसके पास आ जाता है, ये वाला हैलाइड इधर ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन बनता क्या है एक्चुअली में, हैलाइड ही बनता है। कौन सा एल्की, ये क्या बेंजीन हैलाइड है, बेंजीन के साथ हैलाइड जुड़ा है। ये एक मेथड हुआ सैंड मेयर रिएक्शन, हम लोग एमीन से या एनिलीन इसको बोलते हैं बेंजीन जुड़ा है, एनिलीन से डायरेक्ट हम लोग ब्रोमो बेंजीन या क्लोरो बेंजीन बना सकते हैं, लेकिन फ्लोरो बेंजीन नहीं, फ्लोरो बेंजीन नहीं बना सकते। पूरे बुक में केवल एक ही मेथड है जो इस चैप्टर में नहीं है, फ्लोरो बेंजीन केवल एक मेथड से बनाया जाता है जिसको बाल सीमान रिएक्शन कहते हैं। हम लोगों के सिलेबस में है भी नहीं, एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, लेकिन फ्लोरो बेंजीन हम लोग नहीं बनाएंगे, केवल क्लोरो बेंजीन बना सकते हैं ब्रोमो या हाइड्रो बेंजीन इस मेथड से। तो ये मेथड बस हो गया। इसके बाद अब आता है प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको ध्यान से सुने आप लोग। प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड बाई एल्कीन, मैंने क्या बोला एल्कीन से कैसे हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे हम लोग कोई एल्किल हैलाइड को फॉर्म करते हैं, उस मेथड का नाम होता है क्या होता है, अब यहाँ डिस्कस करते हैं हम लोग। ये फाइनली हम लोग देख लिए कौन सी रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन, इसमें एनिलीन से डायरेक्टली हम लोग ब्रोमो बेंजीन को फॉर्म कर लिए। अब अगला मेथड देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन, एल्कीन से कैसे हम लोग फॉर्म करते हैं, एल्कीन से हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं एल्किल हैलाइड को। तो देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड बाई एल्कीन। अगर हम लोग सिंपली एक एल्कीन ले लें, हमने कह दिया ये एल्कीन हमने ले लिया CH2, चलो ये छोटा सा एल्कीन ले लेते हैं, लेकिन इसमें अगर HBr से रिएक्शन करा दें तो हम लोग क्या करेंगे, इस Br से रिएक्शन कर एक पाई बांड इसमें से ब्रेक हो जाएगा, एक पाई बांड अगर ब्रेक हो गया तो हम लोग H प्लस Br माइनस दे देते हैं। मान लीजिए हमने इसको ऐसे किया तो पीछे वाले को क्या देते हैं, हमेशा ये चीज़ याद रखिए, जब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में बैक साइड को हमेशा पॉजिटिव देते हैं, राइट साइड को हमेशा निगेटिव देते हैं, कोई भी रिएक्शन आपको तंग नहीं करेगी। अगर ये मेथड किसी को याद है कि बैक साइड को पॉजिटिव और आगे को हमेशा निगेटिव देते हैं, इसके अलावा कोई मेथड किसी भी रिएक्शन में ना लगाना, सबसे बेस्ट मेथड। हमने मान लो हमने यहाँ हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये माइग्रेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है जो इधर से उधर की तरफ जा रहा है, ये भी कोई पूछ सकता है उधर की तरफ क्यों जा रहा है, इसको हम लोग इधर की तरफ भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन सेम है, तो इसमें कोई ऐसा कन्फ्यूजन नहीं है, इधर जिधर भी ले सकते हैं। इसके हिसाब से हम लोग जो फॉर्म की वो क्या हुआ, यहाँ CH2 माइनस आ गया, यहाँ CH2 प्लस आ गया। तो अब इसमें हम लोग तोड़ते हैं, ये क्या होता है H प्लस होता है Br माइनस होता है रिएक्शन, तो माइनस वाला पॉजिटिव के पास जाएगा प्लस वाला इसके पास आएगा, तो इसका क्या बना देखते हैं CH2 माइनस था यहाँ CH3 लिख दिया, यहाँ CH2 Br लिख दिया, ये क्या बन गया हमारा, ये भी हमारा एक एल्किल हैलाइड बन गया ब्रोमो एथेन। ठीक, अब देखते हैं जो हमें सीखना है मेन मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड को कैसे फॉर्म करें हम लोग एल्कीन से, तो उस मेथड को हम लोग कहते हैं, बहुत अच्छा मेथड है, मार्कोनी कॉब रूल। ये रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल मोस्ट नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट डायरेक्टली अटैच टू द which carbon in the double bond, which is containing least number of hydrogen. अगर एल्कीन में जिस तरफ कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, बहुत कम हाइड्रोजन है उधर की तरफ नेगेटिव पार्ट जाके ऐड हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले लिए प्रोपीन CH3CH CH2, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, क्या एग्जांपल है CH3CH CH double bond CH2, एक एग्जांपल ले लिए। इसमें हम लोग HBr से अगर रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ फर्क आप लोगों को समझना है, एक्चुअली ये कोई मेथड नहीं होता, इसको एक तरह से हम लोग कह सकते हैं पाई बांड का माइग्रेशन बाई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसे होता देखते हैं। अगर यहाँ दो चीज़ समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सबको समझना है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, पहले मैकेनिज्म करते हैं तब रिएक्शन बताते हैं।
अगर हम लोग पाईवांड का माइग्रेशन इधर कराएंगे तो सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि इधर जो हाइड्रोजन है इधर की तरफ क्या, अगर इधर माइग्रेशन कराएं तो इधर की तरफ एल्किल ग्रुप है, यानी कि इसका इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव ज्यादा है एज कम्पेयर टू इधर, यानी कि ये मेथड गलत है, ये वाला एरो गलत है, ये एरो सही है। कैसे? पाई का माइग्रेशन इधर की तरफ होगा, क्योंकि CH3 जो है हाइड्रोजन के कंपेयर में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा देता है। ठीक, तो हम लोग इसको हम लोग क्या करते हैं, पाई बांड को माइग्रेट कैसे करते हैं, पाई बांड को माइग्रेट करते हैं, पाई बांड को माइग्रेट करते हैं इधर की तरफ, तो पीछे को क्या देंगे हम लोग, पॉजिटिव, आगे को क्या देंगे, नेगेटिव। देखते हैं CH3 CH प्लस, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ क्या आ गया, CH2 माइनस आ गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, ये बताओ इसमें क्या होता है, ये एच प्लस होता है, बी आर माइनस होता है, ये भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, बी आर माइनस किसके पास जाएगा, प्लस के पास, एच किसके पास जाएगा, माइनस के पास। एक्चुअली में ये चीज बनेगा क्या, देखते हैं यहाँ बना क्या, CH3 CH और CH2 है, पीछे वाले क्या था, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले क्या देंगे, यहाँ बी आर, और इसको क्या देंगे, CH3 बना देंगे, एक एच जे का, तो ये प्रोडक्ट बना। अब इसके दो मेथड, ये क्या कह सकते हैं, पहला तो इस मेथड से कर लो, या तो एक मेथड और है, या तो इस इंडक्टिव मेथड से कर लो, या तो अगर हम लोग दो प्रोडक्ट बनाते हैं, मान लो हम दूसरा प्रोडक्ट भी बना लिए कि हम लोग CH3 CH2 CH2 Br, एक ये भी प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो सकता है अगर जो हम लोग माइग्रेशन उल्टा करें तो। लेकिन हम लोग इसको इसलिए नहीं मानते हैं, इस प्रोडक्ट को इसलिए नहीं मेजर मानते हैं, क्योंकि CH3 CH2 CH2 Br जो है ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। हमने बताया था ना, जब एक एल्किल ग्रुप किसी अल्फा कार्बन से जुड़ा हो तो हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। अभी क्लासिफिकेशन में मैंने समझाया था क्या है एल्किल हैलाइड, ये क्या है, इसमें क्या है, दो एल्किल ग्रुप अल्फा कार्बन से जुड़े हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे कि सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड की स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू प्राइमरी एल्किल हैलाइड ज़्यादा होती है, इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट होता है, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, और यही मार्कोनी का रूल भी होता है। अगर किसी एल्किल हैलाइड में कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो उधर नेगेटिव वाला पार्ट जाके ऐड हो जाता है। सेम वही हुआ, देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ कितना, एक, यहाँ कितना, दो, तो नेगेटिव वाला पार्ट स्किप जाके ऐड हो गया, तो यहाँ यही तो बना CH3 CH Br, देखो CH3 CH Br, और दूसरे वाले पे क्या ऐड हो गया, एच ऐड हो गया, तो CH3 हो गया, यानी कि मार्कोनी का रूल से भी ये सही है, और हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से भी सही कर सकते हैं, और हम लोग स्टेबिलिटी आर्डर से भी कर सकते हैं। तो मार्कोनी का रूल कोई ऐसा रूल नहीं है, ये स्टेबिलिटी के कारण ही हमेशा सेकेंडरी या टर्सरी एल्किल हैलाइड को फॉर्म करेगा, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू प्राइमरी ज़्यादा होती है। ठीक, ये होता मार्कोनी का रूल। अब इसी का एक चीज़ और इफेक्ट होता है, अगर एच बी आर के साथ कुछ लिया नहीं गया तो उसको बोलते हैं हम लोग मार्कोनी का रूल, लेकिन एच बी आर के साथ एक टर्म और ऐड हो जाए तो इस रूल को हम लोग उल्टा लिख देते हैं, एंटी मार्कोनी का रूल, और प्रोसेस भी उल्टा करते हैं, इस इफेक्ट को हम लोग खरेस इफेक्ट बोलते हैं। तो दूसरा देखते हैं मेथड, मार्कोनी का रूल समझ में आ गया, जिधर कम हाइड्रोजन उधर नेगेटिव वाला पार्ट, जिधर ज़्यादा हाइड्रोजन उधर हाइड्रोजन, जो चीज़ बना उसी को फाउंड कर देते हैं। ठीक, इसके बाद एक और देखते हैं मेथड, इसी का इन्वर्ट वर्जन क्या है, इन्वर्ट वर्जन इसका उल्टा हम लोग करेंगे, अगर इसका इन्वर्ट वर्जन हम लोग करेंगे, अगर रिएक्शन में यही रिएक्शन सेम लेते हैं CH3 CH CH2, इसका हम लोग इन्वर्ट वर्जन लेते हैं, अगर हम लोग HBr से रिएक्शन कराए और यहाँ हम लोग एक वर्ड लिख देते हैं पर ऑक्साइड, इसमें H2O2 भी लिख सकते हैं हम लोग, H2S2O7 भी ले सकते हैं, H2S2O7 लिख सकते हैं, PHS2S2O7, इसमें PHSO2Cl भी ले सकते हैं हम लोग। तो ये सब जो भी एल्किल हैलाइड, जो भी पर ऑक्साइड होते हैं, अगर कोई भी इसमें से कंपाउंड यहाँ लिख लिया तो इसका रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं एंटी मार्कोनी कॉब रूल, या इसका दूसरा नाम है, क्योंकि इसको सर्च किया था खरेस ने, तो इसको हम लोग बोलते हैं खरेस इफेक्ट, या इसको एक और इफेक्ट देते हैं पर ऑक्साइड इफेक्ट। ये तीनों नाम से ये जाना जाता है, पर ऑक्साइड लिंकेज के कारण इसका
कन्वर्जन उल्टा हो जाए। मार्कोनी कर्व क्या कहता था, जिधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है डबल बॉन्ड में, जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है उधर निगेटिव पार्ट जुड़ता है, वो बोलता था मार्कोनी कर्व। लेकिन एंटी मार्कोनी कर्व रूल में क्या होता, जिधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो उधर पॉजिटिव वाला पार्ट जुड़ता है, जस्ट उल्टा हम लोगों को करना है। तो इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी आर, इसमें प्राइमरी वाला स्टेबल हो जाएगा। इस प्रोडक्ट में हमेशा अगर हम लोग एक चीज और देखते हैं, एक एक्सपेंड थोड़ा सा है इसमें, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है डाई एजोटाइजेशन में। एक चीज बताना हम थोड़ा सा उचित नहीं समझे थे, लेकिन अब हम लोग समझ जाएंगे उसको। डाई एजोटाइजेशन क्या था, जब एनिलीन को हम लोग किसके साथ ट्रीट किए थे, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl कितने टेम्परेचर पे, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बना था, डाइजोनियम साल्ट बना था। एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें प्लस और माइनस चार्ज दोनों होता है, इसमें प्लस और माइनस चार्ज दोनों होता है। ये एक ऐसा कंपाउंड है कि बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कुछ कंपाउंड इजीली हम लोग फाउंड कर लेते हैं। इसका इजी मेथड क्या है, ये हम लोगों के बुक में नहीं दिया है NCERT के, लेकिन हम एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं इसको, क्योंकि इससे हम लोग लास्ट वाले चैप्टर में कई कंपाउंड को फाउंड कर सकते हैं। इसकी एक अच्छी रिएक्शन क्या है, खासियत इस कंपाउंड की, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, डाई एजोटाइजेशन, डाई एजोटाइजेशन। इस रिएक्शन में डाइजोनियम साल्ट को, ये क्या है, डाई एजोनियम साल्ट, डाइजोनियम साल्ट। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल ये है, अगर इस कंपाउंड को हम लोग किसी भी कंपाउंड, दुनिया का कोई भी ऐसा रिएजेंट है जिसको हम लोग ए प्लस बी माइनस, एक ऐसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग एक ऐसा कंपाउंड कोई भी ले लें, चाहे कोई भी रिएक्शन हो, इससे ए प्लस बी माइनस टाइप का कंपाउंड ले लें, तो एक रिएक्शन इसकी क्या होती है, डायरेक्ट रिएक्शन, कि जो माइनस वाला पार्ट है वो बेंजीन रिंग में जुड़ जाता है, N2 गैस बाहर निकल जाती है, और ए वाला जो पार्ट है वो इसके Cl से रिएक्शन कर जाता है। यही हमेशा रिएक्शन होती है, इसके अलावा डाइजोनियम की कोई रिएक्शन ही नहीं होती। क्या होता, हमने क्या कहा, जो निगेटिव वाला पार्ट है वो हमेशा बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा और Cl आके ए के साथ जुड़ जाएगा, ये रिएक्शन होगी। देखते हैं, निगेटिव वाला पार्ट हमेशा बी माइनस इससे ऐड हो जाएगा, प्लस HCl बन जाएगा और N2 गैस बाहर निकल जाएगी, ये रिएक्शन है। अब इसमें हम लोग इसका एक एग्जांपल ले लें, मान लो हमने कहा कि डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, H2O से करा देते हैं। तो H2O को हम लोग क्या लिखते हैं, H+OH- लिखते हैं। हमने क्या कहा, OH- डायरेक्ट माइनस वाला पार्ट क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ जुड़ेगा, तो ये क्या बन गया, इस पर हम लोग OH ऐड कर देंगे, बाकी जो बनता रहे, लेकिन ये क्या बन गया, फिनॉल। तो जो निगेटिव वाला पार्ट है वो इससे ऐड हो जाएगा, यही रिएक्शन था। ओके, थैंक यू।